गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लाइंस एंड एंगल्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ एल पैरेलल एम। एल पैरेलल एम, ये दोनों लाइन है, इधर से ये दोनों लाइन है, ये पैरेलल लाइंस है। व्हेन एल एंड एम आर द पैरेलल लाइंस देन टी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। देख, फिगर नंबर वन एंड फिगर नंबर टू। फिगर नंबर वन, टी इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट ऑन लाइन एल इन पॉइंट पी। एंगल पी, तो एंगल पी इक्वल 110 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 110 एंड पी बोथ आर द इक्वल बिकॉज बोथ आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अंडरस्टैंड? लेकिन बट वी फाइंड द एंगल एक्स, एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं, एंगल एक्स एंड एंगल पी बोथ आर द को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। ओके, सो एंगल पी प्लस एंगल एक्स इक्वल 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों अंदर में को इंटीरियर एंगल्स, इनका टोटल 180 डिग्री होता है जब दोनों लाइनें पैरेलल हों। अगर दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है तो इन दोनों का टोटल 180 डिग्री नहीं होगा। ओके, सो वी नाउ दैट कि एंगल एल एंड एम बोथ आर द पैरेलल लाइंस। तो एंगल पी वैल्यू है 110 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल एक्स इक्वल 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल एक्स इक्वल 70 डिग्री। फर्स्ट नंबर, एंगल नंबर टू, एक क्वेश्चन नंबर टू। एल एंड एम बोथ लाइंस आर द पैरेलल लाइंस एंड लाइंस ए इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। एल पैरेलल एम एंड ए इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल एक्स इक्वल 100 डिग्री हो गया। क्यों हो गया? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्वेश्चन हो गया, एक्स की वैल्यू 100 डिग्री, ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ये हो गया हमारा एक्स की वैल्यू। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो आपके लिए होमवर्क में होंगे। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द एंगल्स
when L parallel M and angle 1 equal 30 degrees.